मैं बचपन से ही स्कूल लाइफ से ही पुरानी साइट्स पे, हिस्टोरिकल साइट्स पे जो मेरी पहुंच में थी मैं वहाँ जाया करता था, और इसी शौक की बिना पर फिर मैंने हिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल की। इन सारे कदीमा को तलाश करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे जगहों का रास्ता ढूंढना खासा मुश्किल होता है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है, भूख प्यास को बर्दाश्त करना पड़ता है। इन आसार की तलाश में हमेशा जो है मकामी लोगों से मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि दूर दराज इलाकों के बारे में फिजिकली रस्तों का पता नहीं होता। तारीख के मुताले के दौरान बेशुमार जहां शख्सियात को पढ़ा, वाकयात को पढ़ा, वहां कई मकामात के बारे में भी इल्म हुआ। फिर कहीं मकामी लोग जो हैं वो मुझे मुख्तलिफ साइट्स के बारे में आगाह करते हैं, इस वाले से सोशल मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया है। वहां से मुझे मैसेजेस जो हैं वो मौसूल हो जाते हैं और मैं ऐसी जगहों पर पहुँच जाता हूँ। मेरे पीछे आपको 3-4 मंदिर नज़र आ रहे होंगे, और इसी तरह एक स्ट्रक्चर वो बहुत पीछे है मेरे। इन आसार को मजहबी तहापसंदों से इतना ख़तरा नहीं है जितना ख़जाना तलाश करने वालों से है। ये इन खंडरात में घूमते रहते हैं और इनकी तोड़ फोड़ करते रहते हैं। कोई मशीन लेके आए थे यहाँ से, उन्होंने खोदा और यहाँ से कोई चीज़ लेके चले गए। वो मेटल डिटेक्टर होते हैं। बेशुमार आसार कदीमा पर इंडिया से जो हिंदू बिरादरी और जो है जैन बिरादरी है, दुनिया के दूसरे ममालिक से जो बुद्ध बिरादरी है, उनको असेस दी जाए तो उससे बेशुमार फंड जो है ना जनरेट होंगे, और उन फंड्स के ज़रिए जो है इनकी हिफाजत करना जो है ना बहुत आसान हो जाएगी।